हम बात कर रहे हैं जेपी पावर की। लास्ट ट्रेडिंग डे की बात करें तो स्टॉक में हमको 4% तक के अपसाइड के साथ क्लोजिंग देखने के लिए मिली है। लगातार गिरावट दिखाए स्टॉक ने हमको, लो और लो पैटर्न देखने के लिए मिल रहा था और अपने सपोर्ट जोन से इन्हें 14 रुपये का इसका तगड़ा सपोर्ट लेवल था। सपोर्ट के आसपास से स्टॉक ने हमको रिकवरी दिखा रहा है। एक जंप आया 15 रुपये 60 पैसे के लेवल से, स्टॉक ने रिजेक्शन लिया। अगेन 15 रुपये के लेवल से सपोर्ट लेकर बाउंस बैक होता हुआ हमको एक 16 रुपये के रेजिस्टेंस ब्रेकआउट करके क्लोजिंग देता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ से जेपी पावर में हमको अब और रिकवरी देखने के लिए मिल सकती है, लेकिन हमको थोड़ा सा यहाँ इंतज़ार करना होगा क्योंकि इससे पहले भी हमको जंप देखने के लिए मिला, अगेन रिजेक्शन लेकर लो ब्रेकडाउन करता हुआ नज़र आ रहा है। तो इस अकॉर्डिंग यहाँ हमको थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा क्योंकि लोअर लो पैटर्न देखने के लिए मिला है, बड़ी गिरावट स्टॉक ने दिखाई है। अब जो 16 रुपये का लेवल है इसका इमीडिएट सपोर्ट का काम करेगा। इसको ब्रेकडाउन कर जाता है तो नेक्स्ट सपोर्ट 15 रुपये 50 पैसे, 15 रुपये 60 पैसे का लेवल और तगड़ा और इम्पोर्टेंट सपोर्ट रहेगा 14 रुपये का लेवल। जब तक इसके ऊपर है तब तक बड़ी गिरावट नज़र आना मुश्किल है। यहाँ से स्टॉक ने हमको रिकवरी दिखाई है तो हम देख सकते हैं यहाँ से ये जो इसका लो था जहाँ से स्टॉक ने हमको इससे पहले सपोर्ट लेकर बाउंस बैक होता हुआ नज़र आया था 16 रुपये 80 पैसे 17 रुपये का लेवल, यहाँ तक का जंप देखने के लिए मिल सकता है। इसके तगड़ा और इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा 16 रुपये 80 पैसे 16 रुपये 80 पैसे और 17 रुपये का लेवल। अगर इस बाउंस बैक के साथ स्टॉक अपने इस रेजिस्टेंस को यानी 17 रुपये के लेवल को ब्रेकआउट करके ऊपर सस्टेन हो गया तो फिर वैसे कंडीशन में जेपी पावर स्ट्रॉन्ग रिवर्सल दिखा सकता है। फिर स्टॉक 19 रुपये से लेकर हमको 20 रुपये तक के भी टारगेट शॉर्ट टर्म में ही दिखा सकता है, लेकिन हमको नज़र रखना है ये जो इसका रेजिस्टेंस है 16 रुपये 80 पैसे 17 रुपये का लेवल, यहाँ से बड़ा सेलिंग देखने के लिए नहीं मिलना चाहिए जिस तरह इस बार हमको दिखा था। अगर बड़ा सेलिंग देखने के लिए नहीं मिलता, स्टॉक इसी जोन में कंसोलिडेट होता है अपने रेजिस्टेंस के आसपास, तो वैसी कंडीशन में ब्रेकआउट के फिर चांस बनते हुए नज़र आ सकते हैं। अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से कर सकते हो। वीडियो एजुकेशन पर्पस के लिए, कोई बाय सेल या होल्ड की सलाह नहीं है।